सोलन के धर्मपुर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। जयराम ठाकुर ने रैली में कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा और उन्हें आने वाले चुनावों में भाजपा का साथ देने और नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आज भारत की जनता का केवल एक ही लक्ष्य है, वह केवल मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। उन्होंने कहा कि शिमला संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप हैं और कांग्रेस के धनीराम शांडिल हैं, दोनों ही फौजी हैं, लेकिन भाजपा के फौजी सर्जिकल स्ट्राइक को अच्छा मानती है, उसे सराहती है, लेकिन कांग्रेस की सरकार उसके सबूत मांगती है। इस मौके पर जयराम ठाकुर से जब फोन टैपिंग और जासूसी मामले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से मुद्दा बहीन हो चुकी है और हिमाचल की जनता को ध्यान भटकाने के लिए वे अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करती है जिसमें फोन टैपिंग तो दूर, वे उन पर नजर रखने का भी सवाल पैदा नहीं होता, जिससे पता चलता है कि कांग्रेस के पास तमाम मुद्दे खत्म हो चुके हैं, इसलिए वे उन बातों को तूल दे रहे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खैरिया के प्रधानाचार्य द्वारा 12वीं कक्षा के छात्रों के अभिभावकों ने बच्चों की पिटाई करने व बच्चों को जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल के प्रधानाचार्य ने उनके बच्चों की पिटाई की और जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किए। अमित कौशल, अमन गोरा, विशाल कुमार व अमित कुमार ने बताया कि हम स्कूल में सुबह आने के लिए लेट हो गए थे। हम 6 छात्र थे जो कि सुबह स्कूल में लेट पहुंचे थे, परंतु स्कूल के प्रधानाचार्य ने सिर्फ 4 बच्चों को उठाकर उनकी पिटाई की और जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किए। बच्चों ने बताया कि प्रधानाचार्य हमेशा बच्चों के साथ स्कूल में भेदभाव करते हैं। स्कूल के अध्यापक जसवीर ने बताया कि स्कूल के प्रधानाचार्य ने कुछ बच्चों की पिटाई की और कहा कि अपने माता पिता को लेकर आओ। जब माता पिता स्कूल पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जाओ स्कूल में शिकायत करो। उसके बाद प्रधानाचार्य ने मुझे भी डंडे से डराया, धमकाया और गलत शब्द इस्तेमाल किए, जिसके लिए मैंने उच्च अधिकारी को शिकायत दे दी है। स्कूल के अध्यापकों ने बताया कि हर रोज प्रधानाचार्य हमें किसी न किसी बात के लिए तंग करते ही रहते हैं और बार बार यही कहते हैं कि आपकी नौकरी टांके की नौकरी है। उनके साथ जो भी मन आता है बोल देते हैं। जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो क्लास में आ जाते हैं और बच्चों को तंग करते हैं, बच्चों को बिल्कुल भी पढ़ाने नहीं देते। इसी स्कूल में प्रधानाचार्य पहले भी एक अध्यापक को मारने लगे थे। प्रधानाचार्य स्कूल के बच्चों के साथ हमेशा भेदभाव करते हैं। नवविवाहित युवती की रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली शक के घेरे में होने पर युवती के मायके वालों ने डीएसपी हमीरपुर को ज्ञापन सौंपा। परिजनों ने मामले की जांच महिला आयोग या सीबीआई से करवाने की मांग की है। जानकारी के अनुसार 5 दिन पहले हमीरपुर के साथ लगते गांव बजूरी में 26 साल की युवती ने घर के अंदर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है, लेकिन मायके वालों ने आरोप लगाया है कि युवती को सास ससुर प्रताड़ित करते थे और इस कारण युवती की मौत पर संशय बना हुआ है। लड़की के मायके वालों का कहना है कि लड़की के आरोपी अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि आरोपियों को जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए। बता दें कि चंबो से युवती शिवानी की शादी बजूरी गांव में दिसंबर माह में हुई थी और मायके वालों ने आरोप लगाया कि दहेज के लिए मांग की जाती थी और इसी के चलते लड़की ने इस तरह मौत को गले लगाया कि पुलिस थाना में आए हुए मायके वालों का कहना है कि पहले ससुराल वालों ने फोन पर बताया कि लड़की को अटैक पड़ा है और बाद में बताया कि लड़की ने फंदा लगा लिया है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि लड़की ने फंदा क्यों लगाया है, इसका जवाब चाहिए। उन्होंने बताया कि लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। चंबो पंचायत के उप प्रधान
केहर सिंह का कहना है कि शिवानी की मौत के आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, उन्हें जल्द हिरासत में लिया जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि यदि मामले की सुनवाई नहीं होती है तो इस पूरे मामले की जांच महिला आयोग व सीबीआई के द्वारा करवाई जाएगी। मिलने आए थे लेकिन एसपी साहब आज ना होने के कारण हम डीएसपी से मिले, क्योंकि जो शिवानी नाम की लड़की चमोह से, उसकी शादी बुजुरी में हुई है, तो 3 तारीख को उसकी डेथ हुई थी, लेकिन आज तक उसके जो आरोपी हैं उनको अरेस्ट ना किया गया। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आरोपियों को जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए और इंसाफ मिलना चाहिए। गरीब घर की लड़की थी और इन्होंने बहुत अन्याय किया। कांग्रेस सरकार के समय टीडी अधिकार को खत्म किए जाने को लेकर हो रही बयानबाजी पर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष एवं हमीरपुर चुनाव प्रभारी प्रवीण शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर से जवाब मांगा है। हमीरपुर में प्रवीण शर्मा ने रामलाल ठाकुर से पूछा कि 2003 से 2007 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में टीडी अधिकार खत्म किए गए थे, जिस कारण लोगों को अंतिम संस्कार के लिए भी लकड़ी नहीं मिल सकी थी और कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर उस समय वन मंत्री रहे हैं, जिसका हिसाब अब इन चुनावों में जनता को देना होगा। वहीं प्रवीण शर्मा ने अनुराग ठाकुर पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर की पारी बहुत लंबी चलेगी और इस बार अनुराग ठाकुर चौका लगाएंगे। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति 5 चुनाव हार चुका है और छठा हारने वाला है, 23 मई को पता चलेगा कि कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत तक नहीं बच सकेगी। ऐसा है भी जो व्यक्ति 5 चुनाव हार चुका है, 6वां हारने की कगार पर है, उसके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती हैं। 23 तारीख को रिजल्ट में ये साबित हो जाएगा कि रामलाल जी की जमानत बचेगी या नहीं बचेगी। जीतने की तो बात छोड़ दें आप, अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश का भविष्य है और हमीरपुर पार्लियामेंट्री का वो भविष्य है। उनकी पारी बहुत लंबी चलने वाली है, इस बार वो चौका लगाएंगे और आगे को छक्का भी लगाएंगे।